कैमोन केमिकल्स 1975 से ये कंपनी बनी है, 45 साल से पुरानी ये कंपनी है। वाटर ट्रीटमेंट, पॉलीमर कंस्ट्रक्शंस केमिकल्स और साथ ही हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स जैसे कई स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है। 250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बीएससी पर तो 1995 से लिस्टेड है, लेकिन एनएससी पर 2019 में लिस्ट हुई है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर वी शाह, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने फाइनेंस में डिग्री ली है और साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग भी आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ही पढ़ाई की है। अमेरिका में 6 साल से ज्यादा का आपको अनुभव रहा है कामकाज करने का, और उसके बाद 1992 से केमकॉन के साथ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। सबसे पहले तो चूंकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बताएं सर आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या काम करती है आपकी कंपनी और किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। हमारी कंपनी मेरे पिताजी डॉक्टर विनोद शाह ने एस्टेब्लिश की थी मुंबई में, और उनका विजन था कि लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी रहे स्पेशलिटी केमिकल्स में भारत में। और हमारा मॉडल, बिजनेस मॉडल है कि हम प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देते हैं हमारे कस्टमर्स को विथ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट। हमारा काफी डाइवर्स कस्टमर बेस है अक्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट्स और अक्रॉस द कंट्री। और हमारे चार मेन बिजनेस एरियाज है, वाटर टेक्नोलॉजीज, मटेरियल टेक्नोलॉजीज, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी। चार अलग अलग सेगमेंट्स में आप कारोबार करते हैं। एक दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसके बाद मैं आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल पर थोड़े और सवाल पूछूंगा। एक तो पहले ये कि हमने अभी देखा, नोटिस किया कि 11 अगस्त को आपकी कंपनी में आपने 1,15,000 शेयर भी खरीदे हैं। सितंबर 2019 से लेकर अब तक कंपनी में प्रमोटर्स धीमे धीमे अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, कोई खास वजह सर क्या वजह आपने स्टेक बढ़ाई? और थोड़ा एफआईएस की तरफ से भी, आपकी कंपनी में पहले स्टेक जीरो थी, अब लगभग 0.5% स्टेक एफआईएस की भी है, तो जरा इसके बारे में बताएं। अभी हम नेचुरली बायस्ड हो सकते हैं, मगर हमें हमारे कंपनी के परफॉर्मेंस पर वी आर क्वाइट बुलिश, तो दैट्स द मेन रीजन। हमारा बड़ा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयरों में ही है। ठीक बात है, तो आप कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, इस वजह से खरीदारी कर रहे हैं, ये बात साफ है। अच्छा, एक चीज बताएं सर कि आपकी जो हम रिजल्ट्स वगैरह देख रहे थे, वैसे तो ठीक है लगातार आपकी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन्स वगैरह पर दबाव रहा, क्या कुछ इसके पीछे क्या खास कारण है, क्यों मार्जिन्स आपके काफी तेजी से घटे हैं और आगे के लिए किस तरह का आउटलुक है? तो इसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। जो हमारे कस्टमर सेगमेंट्स है, जैसे वाटर टेक्नोलॉजीज में हम केमिकल्स और सर्विस और डोजिंग और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट देते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, तो इसमें रहते हैं ज्यादातर फर्टिलाइजर प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, स्टील मिल्स और यू नो अदर केमिकल इंडस्ट्रीज। फिर मटेरियल टेक्नोलॉजीज में हम देते हैं मेटल ट्रीटमेंट केमिकल्स, एडिसिव्स एंड सीलेंट्स और कोटिंग्स, जो हम ज्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग और अप्लायंस इंडस्ट्री को देते हैं। तो ये बिजनेसेस में प्राइस इंक्रीज मिलना टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है इसमें, और पिछले 2 साल में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हमारे मार्जिन्स, प्रोडक्ट मार्जिन्स हैव कम डाउन बाय अबाउट 10%। तो अभी ये टेम्पररी है, क्योंकि ये 2 साल में काफी अप्स एंड डाउन्स हुए, काफी प्राइस इंक्रीज मिले हमको, फिर वापस रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए। तो इट्स अ टेम्पररी फिनोमेना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज मिल जाती है हमको सब कस्टमर से, थोड़ा समय लगता है, बस उसी का इश्यू है। अगले 3 साल के लिहाज से सर बताएं किस तरह की सेल्स, किस तरह की प्रॉफिट की उम्मीद आपकी कंपनी से की जा सकती है, और साथ ही क्या कोई एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, कुछ कैपेक्स, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो फिलहाल क्योंकि हमारा मटेरियल टेक्नोलॉजीज बिजनेस काफी नया है, 4 साल पहले ही हमने ये एस्टेब्लिश किया था एक एक्विजिशन करके और एक नए प्रोडक्ट लाइन में एंटर करके, तो इसको हम कंसोलिडेट
करना चाहेंगे पहले। अगर हमारे बिजनेस स्फीयर में कोई एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसके लिए देख रहे हैं। और हम ग्रोथ रेट का पूछे तो वाटर ट्रीटमेंट में हम 10-15% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, मटेरियल टेक्नोलॉजीज में अराउंड 20% और कंस्ट्रक्शन और बायोटेक्नोलॉजी में 10-15%। दिस इज आवर ये हमारा ग्रोथ का एस्टिमेशन है 3 साल के लिए। ये बहुत बढ़िया। तो 3 साल के लिए फिलहाल नए कैपेक्स नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लोज हैं और साथ ही साथ इरादा 10 से 15% तक की ग्रोथ का। बहुत बहुत धन्यवाद समीर शाह साहब हमारे लिए समय देने के लिए और बात करने के लिए अपनी कंपनी के कारोबार और आगे की योजनाओं पर। और इस बीच देखिए कैम बॉन्ड स्पेशल ये है स्टॉक, कैम बॉन्ड थैंक केमिकल्स ये वो स्टॉक जो मजबूती यू, से बढ़िया ट्रेड एक्शन करता हुआ कर दिख रहा है, रहे नौ हैं। परसेंट ऊपर इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में भरपूर एक्शन आज बनता हुआ आपको नजर आए।